हाँ जी हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करें आप सब बहुत अच्छे हो, घर परिवार भी आप सबका बहुत बढ़िया होगा। तो मैं फिर से स्वागत करूँ आप सबका एक और नए ब्लॉग में। तो सुबह सुबह उठ लिए थे भाई, तो बज रहे हैं 7। मम्मी ने मेरे उठाया कौन था, क्योंकि रात में मैंने बिल्कुल भी नींद को नहीं आई थी। सारी रात नींद घूमने लग रही थी, सारी रात वॉकिंग चल रही थी। सुबह 4 बजे से नींद आने लग गई थी, और 4 बजे जिस तरह वो अपने मंदिर में भजन भजन लग जाए अगर नहीं वो भजन लग गए भाई। तो उस टाइम पर मेरा हम नींद थी, जो मैं सुती सुरेश ने बेचारा सिर सार बोझ बाज के सुवाई मेरे तई सिर सार दबा, सिर दुखन लग गया बहुत ज़्यादा। और ये उठी हूँ और ये मैं निकलना ड्यूटी के ऊपर, और उठ के बस मुँह धोका आई हूँ और कुछ नहीं। और देखे मम्मी ने, सवेरे पहला चूरमा बना के मेरी रोटी पैक कर दी है, बोले चूरमा खा के जाइए और साथ में लेके चल जाइए। और कल की करा जी जो पहन के मैं बनाया करूँ ना उसका देखो क्या हाल हो गया। ये मजाक चलता रहूँगा, मार सोनिया वहाँ नाम लग रही है, पूजा पाठ करेगी फिर। और मम्मी और दिखा दूँ थमीन अगर मैं तो कौन दिखाऊँ, मैं तो कौन दिखाई रहा, मैं तो देख लें मम्मी ने बना दी है रोटी और परांठे और सब कुछ चूरमा पैक कर दिया है, दिखा देती हूँ आपको। मम्मी ने कर दिया है चूरमा पैक, देख लो भाई पूरा टिफिन भर के चूरमा पैक कर दिया मेरा। इतना सारा कर दिया घी बना दिया और परांठे ये खातर कर दिए पैक। और बापू जा रहा है शायद बैठक नहीं, और कौर रख दिया है, तो मैं जल्दी से खा लूँ और फिर बाल बा के और जल्दी से निकल लूँगी। बस भाई नांदी को नहीं उठ जाके देखो मैं ही सार जाके, क्योंकि अभी सवेरे सवेरे मैं ठंड लगन लग रही है, बाल भी थोड़े डाउन हो गए नीचे तक, तो मैं निकल लूँ फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अपू निकल लिया है, ये देखो मैं मेरी माँ का भाई ने चश्मा उड़वा के ले नजरा का दिखना कम हो रहा था। अरे डाटा फिर मसूद पर है, मसूद पर तो मुंह था मैं और लगी बुआ घूम को आऊंगा भैया, घूमना हमरा कोने जाड़ सीधा ही जावे वाई कर फिर आगे गए पापा ये गड़ा रास्ता बता बता थक ले अमीना मैं ये गड़ा का काम पड़ जाता मैं तो आएगी फिर बार आएगी आज का बार आ जगह बड़ा भी आओ जगह बड़ा भी आओ ठीक है टाटा बाय बापू और चलते हैं ठीक है फिर मिलेंगे। हाय तो आओ बस मत सीधी अरे को बस मत आज खर्च तो आने की होगी बस भाई के बिना निकला। हां ठीक है मम्मी चलो भैया अपना फोन उठे होगा मन की रहा, चलो चलो भाग लो बेचारा कुन कुन हो जाए, हम जवा जी इनको आ जाए एक दिन में उल्टे बाज जाए हैं जो मैं कुन कुन कर जावे हैं इस देव ना खावे कुरडा कने नू बोला ना लग बबी पर कुरडा खाऊंगा मैं तो आके खड़ा होगा और किसी पर ना खाया इसने मना कर दिया बोला कोई हाथ लगाई दिखा दे और मैं इधर आके पता सुनू आराम तो खड़े हो गया ना लल्ला आराम तो प्यार तो मार ले मैं प्यार तो क्या ना मारू थी फिर बोलिया कसुत्ता टाइट आते बोला कसुत्ता मारे तू तो टाटा बाय। तो फाइनली गाइज मैं ससुराल तक आके सीधी ड्यूटी पर निकल गई थी, और सुरेश और जो मेरा भाई और हैं वापस मन की कोई बिजनेस मीटिंग चल रही थी, तो इस वजह से सुरेश मैंने छोड़ के जिस तरह और ऑफिस में छोड़ के वो निकल गया था, और भाई और उनकी लंबी मीटिंग चली है तो वो बैठे रहे आपस में बात करते रहे आपको बिजनेस के बारे में जो भी थी। तो फिर फिलहाल आज मैं बल्कि मेरे क्वार्टर पर नहीं गई, इस हारता मैं सीधी छड़वा आ गई हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि दिन में भाई भाभी का लेबर पेन स्टार्ट हो गया था, तो अपने घर में एक खुशखबरी आने वाली है, लेबर पेन स्टार्ट हो गया था भाभी का, तो वरना तो अपना पता है मैं ही संभाल लिया करूँ मोस्टली कि भाई ये आन जान की या फिर हॉस्पिटल में जान की जो भी बार का काम होया अगर है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई मैं को नहीं गई घर तक, क्योंकि भाई मेरे तो बिल्कुल भी सफ़र को नहीं होने लग रहा, तो फिर भाभी ने लेके जानी थी फिर हॉस्पिटल में रुकना और वहाँ बैठना उठना उठा और मतलब कहाँ तो सोया जा और कहाँ कुछ और, तो मेरी बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मैं हॉस्पिटल में किस तरह भी रुक सकूँ। तो वहाँ पर जिस तरह जैसे बाई की और सुरेश की आपस में भाई जो भी आपका काम का सिलसिला जो भी बात कर रहे थे वो पूरी पारी हुई, तो इतने में फिर घर तक मम्मी का फ़ोन आ गया, मम्मी ने बताया यह बात है, तो फिर यहाँ तक फिर मैंने
भाई किसी का अपना गांव में मैं जिम्मेवारी लगाई कि भाभी ने और मम्मी ने लेके आप चले जाओ, तो भाभी ने और मम्मी ने लेके फिर वो अपने इशार चले गए हैं हॉस्पिटल में। मैं बोली भाई एक नॉर्मल सी बात है, तो वो इशारा नॉर्मल सा पेन स्टार्ट हो गया था, फिर हम ही भाई बाद में केब रखे दिक्कत हो जाए, आजकल ऐसी कंडीशन हो गई सबकी। तो मैंने कहा कि मम्मी का फ़ोन आया नॉर्मल पेन स्टार्ट हो गया, मैं घर पर रिस्क ना ले आओ, आप हॉस्पिटल में ले आओ और वहाँ सुरेश और मेला भाई और संभाल लेंगे। तो मैं इशार तय अपने छड़वा गई हूँ और जो भाभी है मम्मी है और सुरेश अजीत वो सारे इशार के इशार हैं। तो आज घर की जिम्मेवारी मेरी सारी की सारी, घर की जिम्मेवारी तो की है भाई अपने काम खातर, भाई घर पे ऑलरेडी भाई काम पे लगा रखी है तो कुछ नहीं है भाई घर संभाल खातर। और आज पूरा घर मैं अकेली हूँ, कोई भी नहीं है, इतना बड़ा घर है और इतना बड़ा खेत है, मैं कोई नहीं है, जो अकेली ही रहना पड़ेगा मैंने। तो सुरेश तो कह रहा है तू डरे कौन के, मैं तो डर जाऊँ भाई एक लाई दिन दूर भाई खेता में अकेला रहना हो, और वैसे भी भाई कोई आस पड़ोस में भी ना हो तो बिल्कुल अकेले ही है तू, तो भाई गाँव में तो चलो भाई गाँव में भी डर लग गया तो खेता में है, मतलब ऐसे कुछ नहीं है, मैं को डर आ उनको बात। बाकी बस भगवान तैयार दुआ करूंगी कि सही कंडीशन था, सही सिचुएशन था, सब कुछ अच्छा हो और भाभी का अच्छी तरीके नॉर्मली डिलीवरी हो जावे, कोई भाई ये ऑपरेशन का सिस्टम ना हो, क्योंकि ऑपरेशन का सिस्टम है वो बहुत अपना पता है, लाइफ बिल्कुल रिस्की हो जाए, लाइफ टाइम तक वो सेध तारा वो टांके सेध तेरा मैं, तो मैं कहूँ थी मतलब जो कुछ भी हो जितना भी हो कोई दिक्कत को नहीं, जितने पैसे लगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना उसका नॉर्मल डिलीवरी खतर ही वो करना भाई रिस्क उठाना। तो बोला ठीक है, मेरा फोन आ गया है। हेलो, क्वार्टर खातर फोन आ गया था, जो सोफे कवर थे वो मैंने दिलवाने थे, तो उनका तो रिपेयर खातर जो जिनती मैंने बोला था उनका फोन आ गया था बीच में कि भाई मैं सोफे देख के आ गया था और कल भाई उठा के थोड़ा बहुत रिपेयर करने हैं वो करके दे दूंगा, तो उनका फोन था बीच में। तो बाकी बहुत खुशी की बात भी है कि भाई देख जिस तरह एक तो साइड तो दुख भी है अभी पापा गए थे, लेकिन एक साइड तो भी खुशी है कि पापा गए थे, लेकिन अभी पापा के रूप में अपने घर में कोई ना कोई नया मेहमान आने वाला है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उससे आपने कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन नया मेहमान आने वाला है। और एक बात आप नहीं बताओगे भाई मेरे घर में भाई और मैंने पता नहीं, लेकिन मेरे घर में लड़का ज़्यादा लड़की की मानी जावे है, मतलब कि इज्जत करी जावे है, जिस तरह मेरे भाई तो ज़्यादा इज्जत मेरी होया करा हमेशा मेरे घर में, तो लड़की हुई तो भी वो एक मतलब कि खुशी बनेगी और लड़का हुआ तो भी खुशी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है अपने जो कुछ भी हो, लेकिन सही कंडीशन तो हो जाए बस, मैं नू चाहूँ भाई वरना भाभी दुखी हो जाएगी लाइफ टाइम, यदि ऑपरेशन हो जाए तो बड़ा ऑपरेशन तो हो जिस तरह तो उन तक ही होया करे भाई, लाइफ टाइम तक बंदा परेशान रह जाए, लाइफ टाइम तक टांगे दुखी जाए, प्रॉब्लम रह जाए, आधा बंदा हो जाए यार मतलब कि ऑपरेशन होने के बाद में। तो मैंने भाई और बोला था कोई दिक्कत नहीं है इशार में ले जाओ एक बार, तो जिस तरह आ रहे हैं अपने पास में सिविल हॉस्पिटल है दूसरा गांव में उसमें लेके गए थे, तो फिर वो न्यू बोले भाई अभी नॉर्मल सा पेन है, तो उन्होंने खून टेस्ट कराया तो भाभी में थोड़ा सा कम खून था, तो वो यूँ बोले ये कम खून है आप ही सारे ले जाओ यहाँ पर क्यों रिस्क उठाओ बिना मतलब के, तो मैंने कहा कि रिस्क तो हमें वैसे भी कोई उठावा कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इशार लेके चले गए। और इशार देखो मैंने यही बात बोली है नॉर्मल डिलीवरी खातर भाई कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कौन सा बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में ले जाओ नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ़ोन आया था सुरेश का, बोला इसमें लेके गए हाँ अपने इशार लेके चले गए हाँ और सब कुछ नॉर्मल है अभी तक, और डॉक्टर ने चेकअप करा है, बेबी भी ठीक है मम्मी भी ठीक है, और बोला अभी टाइम लगेगा जैसे नॉर्मल पेन स्टार्ट होया है अभी, लेकिन अभी उन्होंने बोला कि टाइम लग जाएगा अभी तो डिलीवरी में, बोला जिस तरह दिन में लेके गए थे बोला रात रूत हो जाएगी भाई रात के 10-11 बज जाएंगे शायद, तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा जी कर उस तरह करवा लें, लेकिन नॉर्मल का ही करिए कोशिश। और यदि इशार में भी यदि क्यों आपने पता है प्राइवेट हॉस्पिटल मोस्टली क्यों होया है भाई पैसे खाने के चक्कर में भाई आदमी का शरीर काट के गेर दे जमा, उन्हें तो यूँ है नॉर्मल डिलीवरी हुई तो उनका 5,000 रुपये बचेंगे, और यदि उन्होंने ऑपरेशन कर दिया तो अच्छे 50,000-60,000 रुपये का बढ़िया जुगाड़ बन जाएगा उनका। तो आधी बार तो मैंने खुद ने देखा है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के साथ होया है, मैंने खुद ने देखी भी है बात नोट करी है, जो नॉर्मल हो गए ना तो भी ऑपरेशन ही कर दे हुए हैं ताकि भाई उनका कोई मतलब नहीं है, उनने बस आसानी से हो जाए भाई उनका पैसा बन जाए है और जल्दी जिस तरह नॉर्मल डिलीवरी होगी उनका इतना पैसा ना बने, लेकिन जो अपने नॉर्मल हॉस्पिटल हों सिविल हॉस्पिटल हों उनमें कोशिश करी जावे है कि जो नॉर्मल डिलीवरी खातर जब भी मेरा होगी तो मैं खुद ही भी या तो अपने दिल्ली एम्स में या फिर रोहतक पीजीआई में ही करवाऊंगी, क्योंकि मैं इनमें नहीं करवाऊँ, इनमें कराऊँ तो भी आपने पता है मेरा तो भाई
अपना इतना लगना नहीं है क्योंकि पैनल का थ्रू है मेरा, तो मेरा तो खर्चा लगना वैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सिविल में ही करवाऊंगी क्योंकि वहाँ पे क्या होगा नॉर्मल डिलीवरी होने की कोशिश करी जावे है, और जो और हॉस्पिटल है उनमें बहुत कम चांस होगी नॉर्मल की कोशिश करें, वो बस पैसे कमाने के चक्कर में ही हुई है। तो अभी तो इशारे ही थे, तो सुरेश दोबारा डॉक्टर से बात कर रहे हैं भाई नॉर्मल खातर, भाई थोड़ा इस टाइम पे थोड़ा सा खून की कमी हो रही है क्योंकि भाई पहले तो 2200 जिस तरह वो गया था करंट लग गया था उनके, और फिर मामा जी एक्सपायर हो गए, पापा जी एक्सपायर हो गए, और जो सुमन है वो भले ही छोटी है मेरे से भी छोटी है लेकिन वो टेंशन बहुत ज़्यादा ले हुआ है, बहुत ज़्यादा जिस तरह एक वो कह कौन कह अगर हैं संस्कारिक बहू, संस्कारी बहू टाइप में, तो उस टाइप में वो मतलब कि हर टाइप में टेंशन ले जाओ वह, उसको बुखार हो जाए तो भी को दिन कौन बता मेरा बुखार हो रही है, कुछ भी हो जाओ उसके कुछ नहीं बताओ कभी वह माइंड में टेंशन ले रखे। तो पहले तो ठीक था, बस 15-20 दिन था बस उसमें थोड़ा हा यूँ, जब पापा एक्सपायर हुए हैं क्योंकि उसने पापा थी भाई बिल्कुल हत्था पर रखा था, मैं तो चली गई थी चल शादी करके ने, लेकिन जैसे ही पापा बीमार थे भाई दिन में 20-25 बार पापा के कपड़े ख़राब हो जाया करते, तो वह पूरे दिन पापा के कपड़े चेंज करवाती रहती, पूरे दिन धोती भी रहती कि भाई हर रोज़ आपने पता भाई इतने कंबल और बिस्तर आप किन्नत लेकर आवा तो धोने भी पड़े हैं नॉर्मल सी बात है। तो पापा ने बिल्कुल ही एक बच्चे की तरह रखा करती थी, मतलब कि पापा ने यूँ रखा करती बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा धोखा लग गया था वो बिल्कुल माइंड तो ही वो हो गई थी जिस टाइम उन्होंने पता चला था ना, मैं तो चलो अपने आपने संभाल लिया था खुद ही, लेकिन भाभी ने अपना आप था कौन संभाला था, जड़ी जुड़ी जुप गई थी, नस पटन लगी थी, उन्हें तो 5-6 घंटे तो उसाया था बिल्कुल ही यूँ हाल हो गया था उसका, डॉक्टर के पास लेके गए थे हमें, उसने हॉस्पिटल में लेके जानी पड़ी थी, ज़्यादा दिक्कत हो गई थी उनके एकदम से, और कुछ प्रेगनेंसी का टाइम था तो ना कुछ खाया पिया ज़्यादा टाइम उन्होंने, तो बस थोड़ा सा अपने ब्लड कम था उनमें तो इस चक्कर में, तो इसार देखो डॉक्टर के बोले हैं, वैसे तो बोले हैं नॉर्मल हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भी मैं बोलने लग रही हूँ यदि डॉक्टर फिर भी यूँ कहें थोड़ा बहुत भी यूँ कहते ऑपरेशन खातर तो बता दियो अपने दिल्ली एम्स है, जिस तरह भाई काफ़ी बड़ा फ्रेंड सर्कल है तो दिल्ली एम्स बहुत सारे नॉन है अपने, तो मैं बोली कोई दिक्कत नहीं है दिल्ली एम्स खातर बात कर लेवांगे क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल या फिर रोहतक PGI में कर लेवांगे कोई दिक्कत नहीं है, या रोहतक PGI या फिर दिल्ली एम्स में भी, वैसे तो दिल्ली एम्स में आपने पता भाई इतना जल्दी नंबर तो कौन पड़े आगे है क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जो इलाज दिल्ली एम्स में नहीं होगा ना वो कहीं नहीं होगा ये सोच लो, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इंडिया का नंबर 1 पर माना जावे है दिल्ली एम्स, या बात तो भाई जो मेरे आने के हैं उन्हें पता भी होगा, बाकी आप सबने पता ही होगा दिल्ली एम्स का नाम सुने भी होगा आपने, तो जितना बड़ा अपना हिसार है इतना बड़ा टोटल दिल्ली एम्स का हॉस्पिटल है इतना बड़ा, तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मेरी काफ़ी बार जा ली मैं वैसे भी, एक दो नॉन ने लेके जा ली, वैसे भी नॉन है वहाँ पे फ्रेंड सर्कल गए हैं तो उन मिलन चली जाया करो, काफ़ी बार जा चुकी हूँ वहाँ पे मैं, तो उन दिल्ली एम्स वाले फ्रेंड से बात हुई थी, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है यदि टाइम हो भाई यूँ है अपने हिसाब से दिल्ली पूछने का टाइम हो, भाभी में इतने भाई बेबी ज़्यादा लेबर पेन ना होता हो तो दिल्ली एम्स में लियो अपना, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल नॉर्मल कर लेवांगे, तो अभी तो यही बात हुई है बाकी सब अच्छा होगा मैंने पता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सबका साथ जो है भगवान का साथ जो है, पापा जो हमारे साथ में है तो मैंने पता है सब अच्छा होगा, बाकी उनका जो फ़ोन आ जान दो और फिर मैं देखूंगी, इतना कुछ नहीं है भाई सारा अंधेरा अंधेरा पड़ा है, लाइट फ्लू टर्न कर लूँ मैं क्योंकि आज घर में कोई नहीं है और घर पर आज आज शेर अकेला है भैंस भूस बांध दिया हूँ मैं, और मम्मी बार बार पूछा है मैस मार दे कर देते रहे सिंग सांग मार दे मैं, क्योंकि एक मैस है ना वो मारनी है हमारे तो मार दिया करो, और किसी को मारा हुआ जिस तरह मम्मी को मारा वो मारा हो जिस तरह हम जहाँ को ना तो मारा जरूर मार दिया करवा, तो कुछ नहीं है बस हमारा डोगी है और मैं हूँ, हम दो हैं कल्ले यहाँ पे, आज कोई भी नहीं है भाई, तो ये खेतों का नज़ारा दिखाती हूँ आपको क्या देखूँ अंधेरा है कुछ नहीं है अंधेरा 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 है, ये अपने सारे लाइट ऑन उस वाली उसकी अपनी कोठी की ऑन कौन करी अभी तक, उसमें ओनली कैमरे की लाइटिंग ऑन पड़ी है सारी, बाकी मैं सारी लाइट लुइट ऑन कर रहा हूँ, बाकी भाई गाइस रोटी आटी मैंने बना ली थी और ये मेरी सुरेश और बात हुई थी और बीच में मेरे डॉक्टर से ही बात हुई थी अपने दिल्ली एम्स वाला था, तो जिस तरह जो फ्रेंड है उनते तो उन्होंने यही बात बोली बोला क्यों बेफाल तुम चढ़ने लग रहे हो, बोला आपने पता है नॉर्मल हॉस्पिटल मैं ही बिल बना के घेर देवेंगे और जिस तरह क्यों रिस्क उठाओ बिना मतलब के भाई बिल बनाई घेर देवेंगे यार ऊपर तक ऑपरेशन कर देवेंगे, बिल की तो कोई बात कोई नहीं ऑपरेशन कर देवेंगे तो अपना पता है कि लाइफ टाइम वही दुखी रहना, तो उन्होंने यही बोले है
कि एक बार डॉक्टर से बात करो कि भाई किस टाइम कितना टाइम है, तो डॉक्टर ने बात करी, डॉक्टर बोला अभी तो भाई नॉर्मल दर्द स्टार्ट हुए हैं, अब तो मतलब कि सात या आठ घंटा तक तो बेबी होना को नहीं। तो फिर अभी सुरेश का फ़ोन आया है, बोला फिर दिल्ली एम्स में ले चला, कोई दिक्कत को नहीं, तो बोला ना अपना खर्चा लगना ना कुछ लगना, तो दिल्ली एम्स में ले चला, वहाँ पर बढ़िया ट्रीटमेंट होगा, जिससे जो अपने नोन है वो बढ़िया ख्याल रखेंगे, वैसे भी नोन ना हो तो भी वहाँ पर बहुत बढ़िया ख्याल रखा जावे है, क्योंकि बहुत अच्छा स्टाफ है वहाँ पर, और जिस तरह जो इंडिया की टॉप रैंकर है ना, वो टॉप रैंकर हुए हैं वो भाई, जो दिल्ली एम्स में वो दुनिया के टॉप रैंकर डॉक्टर होया करे उनमें तो हैं वो डॉक्टर, मैं पता नहीं किया था कि बोलना कर रही हूँ, कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। तो ये सुरेश का फ़ोन आया है, यूँ बोला मम्मी तो वहाँ जाओगी किस तरह, मम्मी चली गई तो वहाँ पर जिस तरह भाई अपना बैंस भूसा कौन करेगा, क्योंकि मेरी भी कंडीशन थोड़ी सी हो रही भाई बैंस भूसा का, भाई दूध बैठ के निकला कौन मेरे, तो पहले तो निकाल लूँ, कोई दिक्कत कौन थी। तो फिर सुरेश बोला मम्मी ने छोड़ जाऊँगा तना ले जाऊँगा, तो सुरेश इमना लेना आवा है और मम्मी ने घर छोड़ जाओगा और फिर मैं जाऊँगी दिल्ली, और सब अच्छा हो, भगवान से दुआ करियो आप कि बाबी बिल्कुल अच्छी तरह घर पर आ जाए, और अपना जो नन्ना मुन्ना मेहमान है वो बहुत अच्छी तरह से घर पर आ जाए, खुशहाल तरीके से आ जाए, बाकी मैंने पता है सब अच्छा ही होगा, क्योंकि इतनी कोई वो है नहीं भाई, बस मैं तो इस चक्कर में वो यहाँ तक माल लेके जाने लग रही हूँ भाई, ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, कोई ऑपरेशन का चक्कर ना पड़े, कि प्राइवेट हॉस्पिटल मैंने इतना भरोसा नहीं है, वो तो भाई बंदन काठ के गिरने में सब तक माहिर हैं, मेरी सोच यह है, बाकी यहाँ पता नहीं भाई, बंदन काठ के गिरने में माहिर हैं भाई, ऑपरेशन कर देंगे बात ख़त्म। और जिस तरह मैं वहाँ पे जो अपने जैसे रोहतक पीजीआई होया या फिर अपने दिल्ली एम्स होया, वहाँ पे क्या करेंगे भाई, अपने इंजेक्शन दे दे के नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश करेंगे, तो यह बात है। तो मैं जल्दी से अपनी पैकिंग कर लूँ, पैकिंग तो क्या मैं सूट डाल रखे यू चेंज कर लूँ, लोअर टी शर्ट पहन लूँ, और बाकी इतना दूर जाना मेरे खातर बहुत औखा काम है, बहुत ज़्यादा औखा काम, क्यों मेरे से 5-10 मिनट भी ना बैठा रह जाता, जिस तरह जो मैं थाना में है काम वो भी खड़ी खड़ी ही करूँ हूँ, जो भी काम है थाना ऑफिस जितना भी काम मैं खड़ी खड़ी कर जाओ मैं तो बैठ के तो काम बनता ही करूँ, मेरे तक कुछ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ मैं खुद भी, लेकिन करती हूँ जुगाड़, या तो उन्हें गाड़ी भेजूँगी, मैं ट्रेन में सो के जाऊँगी, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करूँगी, और जिस तरह यहाँ आता है एक बार सार पहुँच जाऊँ मैं, और फिर ये रात की ट्रेन हुई तो उन्हें मैं अपने गाड़ी तो भेज दूँगी, मैं ट्रेन तो सो के चले जाऊँगी, स्लीपर डिब्बा ले लूँगी, ऐसा कुछ करूँगी, लेकिन उससे पहला मैं मेरी बैग की पैकिंग कर लूँ, और आप सब इतने दुआ करो बैठ के ना कि सब अच्छा होए, बाकी मैंने पता है बी पॉजिटिव रहा करूँ हमेशा, कि सब अच्छा ही होएगा, मैंने पता है।